तो जो किया हम लोग नो हम लोग से जो नहीं हुआ है इन लोग कर रहा है दे आर डूइंग व्हाट वी शुड हैव डन लॉन्ग बैक ऑफ कोर्स इन आवर टाइम इट वाज नॉट देयर व्हेन वी वर मेडिकल स्टूडेंट वी नेवर थॉट इन द रिमोटेस्ट दैट ए कॉलेज प्रिंसिपल विल आस्क फॉर मनी फॉर पासिंग फॉर ऑनर्स ये कहाँ है व्हाट इज दिस आई कैनॉट जस्ट थिंक ऑफ इट इन आवर टाइम इफ कॉलेज प्रिंसिपल वुड हैव कॉल्ड मी then I would have just urinated in my trouser. And where is that fear gone? Here, college principal is encouraging the students to do all nuisance things. What is, if this is the status of principal of a medical college like RG Corp, then where is the medical education? Sir, अभी जो बहुत ये movement आपको किसी तरह से political लग रहा है? नहीं, ये movement कोई political नहीं है. सबसे पहले बात genuine लोग आज यहाँ खड़े हैं. जो पॉलिटिकल होता है वो भी दिखता है. पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करते हैं अपने अपने बेनिफिट्स के अनुसार. जिनको लगा कि जेन्युइन है इन्वॉल्व हैं चले गए. आप लोग को नाम बताने की जरूरत नहीं है. बट ये जेन्युइन लोग है जो है जो कि अपने घर से कि मेरे भी परिवार में आज इनके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो सकता है. हॉस्पिटल में हो रहा तो रोड पे भी हो सकता है. आज अगर ये स्ट्रिक्ट कानून नहीं लाया अभी भी कोई ढंग का कानून नहीं बना. ममता बनर्जी कोई सही कानून नहीं बनाई है. मैं एकदम साफ बोल दे रहा हूँ. ठीक द्वारा चार्जशीट में ये कहा गया है कि सिर्फ एक ही आरोपी है वो संजय रॉय. देखिए हम लोग तो सीबीआई नहीं है. हम लोगों के पास इन्वेस्टिगेशन शीट भी नहीं है. अब सीबीआई द्वारा चार्जशीट में क्या है वो नहीं है वो पता नहीं है. पर मेरा सिर्फ एक ही मतलब क्वेश्चन है सबके साथ. अगर इस मतलब अगर संजय रॉय ही क्रिमिनल है तो इतना हंगामा क्यों, इतना छुपाया क्यों? अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो आरजी कॉर्प में रात को 14 अगस्त में हमला क्यों हुआ था? अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो उनको मतलब बचाने के लिए इतना कुछ तो ये ताला थाना का पुलिस ऑफिसर क्यों गया? ठीक है, अगर संजय रॉय क्रिमिनल है तो ये मतलब रूलिंग पार्टी क्यों इस आंदोलन का विरोध कर रहे पहला दिन से? आज नहीं, पहला दिन से क्यों विरोध कर रहे? ये जो शोर आप इस वक्त सुन रहे हैं ये कोलकाता के लोग हैं. जी हाँ, आरजीकल जस्टिस फॉर आरजीकल. आपको याद होगा 9 अगस्त को आरजीकल कोलकाता में जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक हादसा हुआ था, इसके लिए आज लोग सड़कों पे हैं. आज 60 दिन हो चुके हैं और अब तक लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला. कहते हैं कि सब्र का बांध जब टूट जाता है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं एक मूवमेंट लेकर. ये एक मूवमेंट है जो इंसाफ के लिए पुकार रही है कि आखिर उस बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा जिसे बिला वजह कत्ल कर दिया गया. आखिर उस बच्ची का क्या दोष था आज पूरा मुल्क पूछ रहा है. क्या इंसाफ मिलेगा? अगर शायद अभी इसके बाद अगर मतलब हम लोगों का चीफ मिनिस्टर का कुछ अगर मतलब होश आए कि वे लोग की, क्योंकि डॉक्टर्स आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर आवर स्टेट बट द एसेट ऑफ आवर कंट्री. पता नहीं अब क्या होने वाला है बट वी आई एम रियली प्राउड ऑफ द डॉक्टर कम्युनिटी. ये लोग सिर्फ मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोगों को सेवा करके हम लोगों को स्वस्थ करते बट दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर आवर राइट. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा नेशन वाइड हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया गया, क्या समर्थन? देखिए समर्थन अभी हम लोग डॉक्टर लोगों के समर्थन में है तो वो लोग जो भी करेंगे जो तक कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध नहीं करते हम लोग उन सबको समर्थन करेंगे. अभी तो पीछे हटने का मौका नहीं है. अभी तो आरजी है कि जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, जो सबसे ऊपर गद्दी में बैठे हुए हैं राज्य के, कि वो आए. वो अगर इतने लोगों को हंगर स्ट्राइक करके देख करने को देख सकते हैं एंड इफ शी इज़ नॉट गेटिंग
एट ऑल मूव देन शी इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव. सबसे बड़ा बात अगर अंदर अगर यही है तो पहले ही फोन करके मतलब वो तुम्हारे विक्टिम के फैमिली को फोन करके पैसा देने को क्यों बोला गया था पुलिस कि पैसा लेके सब कुछ वो कर और ये सुसाइड किया हुआ है ये भी बोला गया था. कोनो चार्जशीट में 125 लोगों से पूछताछ की गई है. उसके बाद सीबीआई कह रही है वो चार्जशीट उन्होंने सामने लाया. फिर भी ये विरोध प्रदर्शन वो भी दुर्गा पूजा के बीच कैसे देखिए दुर्गा पूजा एक शक्ति का पूजा है. ठीक है, देवी माँ का पूजा है जो शुभ शुभ शक्ति अशुभ शक्ति पे जीत जाते. अगर इस टाइम विरोध नहीं होता तो कभी नहीं होता. अगर इस टाइम विरोध हो रहा है इसीलिए दुर्गा माँ संतुष्ट होगी. अगर नहीं करते तो संतुष्ट नहीं होगा. और विरोध तब तक चलेगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा. एंड जस्टिस दैट हैज टू बी वेरी ट्रू. मतलब हम लोगों के सामने सब कुछ एविडेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि सब कोई देख रहे हैं. अगर संजय रही है तो द सीबीआई हैज टू गिव अस फुल प्रूफ एविडेंस. वैसे ही हमको वैसे ही नहीं होने देंगे क्योंकि वी नो दैट दिस इज अ स्केप गेटिंग. आई बिलीव दैट दिस इज अ स्केप गेटिंग. और कोई समझता है या नहीं. अगर अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट को देखते तो 50 डॉक्टर 5000 पेशेंट को देखते. ये सोच नौकरी से रिजाइन नहीं कर रहे. दे आर रिजाइनिंग फ्रॉम देयर ड्यूटी एंड नॉट फ्रॉम देयर इमरजेंसी सर्विसेज. ये भी देखना चाहिए आप लोग. मीडिया शुड नो मीडिया शुड प्रोमोट द थिंग विच इज वेरी ट्रू. सिर्फ रिजाइन करके मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी सोच रहे हैं कि वो लोग रिजाइन दे. दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज. तो हम लोग आम लोग आहंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे शायद. लगातार जो है वो पार्टियां जो है पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही है कि डॉक्टरों को पीछे से दूसरी पार्टियां जो है सपोर्ट कर. पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही है, रूलिंग पार्टियां कह रही है. रूलिंग पार्टी या कह रही है कि वो डॉक्टरों को पीछे से बैकअप दिया जाए. अगर डॉक्टरों को पीछे से बैकअप दिया जाता है, ये अगर पॉलिटिकल मूवमेंट होता तो ये जस्टिस इतना मतलब क्या इतना देर नहीं होता और इतना शांतपूर्ण नहीं होता. ट्रस्ट मी, अगर ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता तो और भी मतलब अशांत होता माहौल. ये ज़रूरी था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे ही इस चीज़ को और अच्छे तरीका से पब्लिक के सामने लाना चाहिए क्योंकि पब्लिक ना अपना काम कर रहा है, घर जा रहा है, किसी को लग नहीं रहा कि ये अपना प्रॉब्लम है क्योंकि कोई अपना पर्सनल नहीं लगेगा. अपना बच्चा के साथ ऐसा हुआ है तब तक कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, हर कोई ये सोचेगा अच्छा छोड़ो हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं 9 से 6 और घर चले जा रहे हैं. ये तो डॉक्टर का प्रॉब्लम है, उसका भी एक परिवार है, वो भी एक पर्सनल लाइफ जीता है जिसको किसी को लगता नहीं कि उसका भी एक खुद का पर्सनल लाइफ होगा. ठीक है, इस वजह से हमको लगता है कि ये दुर्गा पूजा एक सही टाइम है कि सब कोई को जाने कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है जो डॉक्टर्स के साथ हुआ है. आखिर डॉक्टर भी एक इंसान था, उसका एक पर्सनल लाइफ था जिसका जान बेरहमी से मतलब इतना गंदगी से मारा है उनको. वो देखना चाहिए पब्लिक को भाई कि इतना बेरहम का तरह मार दिया और उसके साथ अभी भी कुछ नहीं हुआ है. वो अभी जेल में भी है, जो भी ट्रायल चल रहा है. एटलीस्ट उसके पीछे कौन है, उसको कौन इतना ज्यादा पावर दे रहा है भाई. कोई तो पावर दिया ना कि आप हॉस्पिटल में आराम से घूम सक रहे हो. ऑब्वियसली एक व्यक्ति से ही हजार व्यक्ति है. हम एक औरत का बात कर रहे हैं, एक औरत से ना परिवार है. ठीक है, एक औरत ही है जो पूरा यहाँ पर संसार में जितना पब्लिक है वो एक औरत से ही स्टार्ट हुआ है. तो हम लोग ये नहीं जानेंगे कि हाँ भाई एक औरत का दुख को हम अपना दुख नहीं समझेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर वो बाकी लोगों का भी पर्सनल लाइफ में इस तरह घटेगा. अभी हम लोग वो संदेश खाली वाला हम लोग सुने हुए हैं हाल फिलहाल में. हम लोग भी ये सोचते हैं कि वो किसी सर्टेन एरिया का प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं. ठीक है, हम लोग क्या न्यूज़ सुन लिया घर में बैठ गए, जाग नहीं रहा है. अगर कोलकाता आज जाग रहा है, अभी ढंग से जागा भी नहीं है. अभी असल में जिसको दुखेगा ना कि जिसके परिवार पे हुआ है उसको क्या ही, अरे माँ बाप पढ़ा कर दिया, अब कमा के अर्न करके देने का टाइम में वो 36 घंटा से सर्विस दे रही है, उसके बाद उसका मर्डर हो जा रहा भाई. ठीक है, कोई ढंग का कानून बनाए. और ये क्या मतलब होता है कि पहले हम गार्जियन को बॉडी नहीं दिखाएंगे, गार्डियन को 3 घंटा 4 घंटा बाद दिखाएंगे. एटलीस्ट गार्जियन को सबसे पहले दिखाओ. गार्जियन जो जो बोले कि भाई वो उसके बाद उसके साथ करना चाहिए, बॉडी के साथ उसे पता चलना चाहिए उसके बेटी के साथ बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है. ये छुपाया गया और कानून भी अभी देख रहे हैं ऐसा बन रहा है कि और भी छुपा सकता है आदमी. नहीं छुपाना चाहिए, पुलिस से पहले भी गार्जियन को दिखाओ, सच बताओ. झूठ क्यों बताया गया कि उसमें आप लोग भी जान रहे होंगे कि झूठ बता दिया गया कि सुसाइड है. सबसे पहले जो भी है सुने हैं, हम भी सुने बात तो बता रहे, बहुत बड़ी चीज छुपारी सुन रहे थे कुछ वहाँ पर अंडसंड चीज कॉलेज जो हॉस्पिटल में उसे चल रहा था. हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत गंदा चीज है. उसको सपोर्ट कर रहे एक हमारे कॉन्स्टेबल जिसको ट्रांसफर किया गया संदीप घोष, इससे पहले जहाँ थे वहाँ पर भी वो कुछ ऐसे चीजों में इन्वॉल्व थे. मतलब एक तरह से जाए तो करप्शन में इन्वॉल्व थे.
क्राइम में इन्वॉल्व थे, उसके बाद उसको ट्रांसफर करा के यहाँ भेजा गया, यहाँ भी सेम तरह चीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ से फिर भी देखिए हमारा जो गवर्नमेंट है बंगाल का, इतना अच्छा सरताज चढ़ा दिया उनको वापस यहीं, और उसको वही सेम पोजीशन में दे दिया गया। भाई आप उसको अरेस्ट करो, अगर उसके ऊपर नाम भी आ रहा ना, एटलीस्ट उसको अरेस्ट करो। ऐसे क्या होता है किसी के ऊपर इल्जाम आ गया, पुलिस उसको पहले अरेस्ट कर लेती है। आई एम वेरी सीनियर हार्ट सर्जन ऑफ द सिटी एंड एक्चुअली स्टार्टेड हार्ट सर्जरी इन पीजी हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। आई पास इन द ईयर 1962, देन आई केम टू द पीजी एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू MCH from the Calcutta University. Important for me. Where is that threat? Koi threat would come. It was beyond our range of imagination. Threat kya?